Good evening again, and the rest of the questions are being taken by Mr. Deven. I am Dr. Deepankar Banerjee from Jabalpur, from Ideal Fertility IVF and Genetic Center Private Limited, which is placed in Madhya Pradesh, Jabalpur, and we do regular IVF ICSI blastocyst with a good quality of ovulation induction and monitoring. So things might be little bit costly here with compared to other centers. I accept that. But when we do an IVF with good quality, good monitoring, the chances of getting success is more. So our success rate is, by God's grace, better than others. And we take very difficult cases of low AMH with azoospermia and giving best add-on treatments with preconception genetic investigation, even pre-implantation genetic investigations. So things might be a little bit costly, but I always say that when you go for IVF treatment, it is very important to have a correct way of monitoring, correct way of doing IVF, and then you can get a good success rate. Otherwise, IVF is very tricky, and even with the low AMH what we take, are very difficult to deal with. Most of the time, people go with donor eggs and donor sperm, but our intention is that the couple should have their own biological child. Please go ahead with the other questions. Sir, introverted uterus के बारे में बताइए, ये क्या होता है? क्या चीज? Introverted uterus. Antiverted. एंटीवर्टेड यूट्रस का और रेट्रोवर्टेड यूट्रस का बहुत ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं है. एंटीवर्टेड मतलब यूट्रस यदि ब्लैडर की तरफ उसका जो उसका हेड हुड है, जो फंडस है, जो टॉप है, और इट इज़ अवे फ्रॉम, अदरवाइज इट डजंट कैरी टू मच मीनिंग. सर, टैबलेट स्टेडियोल वैलेरेट लेने से क्या एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ती? मैं कंटिन्यू ले रही हूँ, फिर भी नहीं बढ़ रही है. नहीं, स्टेडियोल वैलरेट यदि आप 2 मिलीग्राम TDS को QID मतलब इतना लेते हैं, तो आप एक अपना सीरम स्टेडियोल करा लीजिए कि आपके ब्लड में स्टेजन का लेवल कितना है. यदि वो 150-200 से ज़्यादा है, पिकोग्राम से ज़्यादा है, और यदि एंडोमेट्रियम नहीं बन रहा, तो आपको एंडोमेट्रियम को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंडोमेट्रियम में फिर प्रॉब्लम है कि नहीं, फिर हिस्टोस्कोपी करना है. तो यदि एंडोमेट्रियम में वैसा प्रॉब्लम है, तो कई बार इन्फेक्शन के कारण उसमें जाले लग जाते हैं, उसको ठीक करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सर, मेरे पहले बेबी में ट्राइसोमी 21 था, एंड 5th मंथ में अबॉर्शन कराना पड़ा. अब सेकंड प्रेगनेंसी है, मुझे क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम आगे ना हो? देखिए, एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि यदि आपके पहली प्रेगनेंसी में, इवन अबॉर्शन में भी, यदि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी आई है, तो आपका सेकंड जो प्रेगनेंसी है, भले ही आपकी एज कम हो, मैं ये कहता हूँ कि आपको 16 वीक्स में एमनियोसेंटेसिस करवा लेना चाहिए. एमनियोसेंटेसिस मैं जितने करता हूँ, मैंने हजारों कर लिए होंगे, बट बाय गॉड्स ग्रेस यदि आप उसको ठीक से करें, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, तो उसमें एबॉर्शन अभी तक किसी को नहीं हुआ. तो जो एक डर बना रहता था इन्वेजिव का, वो उतना ज़्यादा डर नहीं है यदि आपको प्रॉपरली यदि किया जाए. इवन आप कोरियन विलस सैम्पलिंग 3rd मंथ में करा सकते हैं, बट जो रेगुलर टेस्ट्स हैं स्क्रीनिंग के, वो आप जरूर करा लें. एक एंटी स्कैन करा लें और एक सोनोग्राफी 3rd मंथ में जरूर करा लें, एक स्ट्रक्चरल सब ठीक है कि नहीं वो देखने के लिए, बट एमनियोसेंटेसिस कर लेना बेहतर होगा. सर, 2 C-section के बाद 3 मिसकैरेज हो गए हैं 3rd मंथ में, आगे क्या करना चाहिए? एज 38 है. 2 C-section से मतलब बच्चे हुए होंगे. Yes. और अभी क्या हो गया? अबॉर्शन. 3 मिसकैरेज हुए 3rd मंथ में. वेरी डिफिकल्ट टू से, इट माइट बी आपका जो एक का क्वालिटी है वो खराब हो रहा है, और आपका जो पहले, चूंकि आपको प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा हुआ है, तो कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं होगा, बट जो ये सीड की क्वालिटी है, जो एग की क्वालिटी, उसके कारण हो रहा है. यू कैन ट्राई अगेन, बट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के यदि आप जेनेटिक टेस्ट करा लें तो बेहतर होगा. सर, बिना AMH टेस्ट कराए क्या सोनोग्राफी के माध्यम से अंडों के बारे में पता चल सकता है?
एंटल पैप भी पिछले वीडियो में ही बताया हूँ, आप वो देख लीजिएगा। अंडों के बारे में जो डिटेल या फिर कितने अंडे निकलेंगे, पेशेंट को, कपल को मैं कोशिश ये करता हूँ कि आईवीएफ करने के पहले, दे आर माई क्लाइंट्स, दे शुड नो वॉट इज़ हैपनिंग, तो उनको ये एक अंदाज होना चाहिए कि उनका सीड का क्वालिटी कैसा है। तो सीड का क्वालिटी देखने का दो तरीके हैं, एक एंटर फॉलिकल काउंट और एक एंटी मलेरियन हार्मोन। एंटी मलेरियन हार्मोन में आपको सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो ज़्यादा स्पेसिफिक रहती है क्योंकि सब्जेक्टिव वेरिएशन नहीं होता, और लैब टू लैब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, उसको हम कन्फर्म कर लेते हैं ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड ऑल्सो। तो ये एक तरीका है, बगैर AMH करे अल्ट्रासाउंड से एंटर फॉलिकल काउंट भी देखते हैं। एम्ब्रियो फ्रीज करने के बाद उसे मिनिमम कितने दिन के बाद ट्रांसफ़र करना चाहिए? मिनिमम तो एक पीरियड आएगा, उसके बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि उस साइकिल में तो नहीं कर सकते, पर मैं कोशिश करता हूँ कि एक नॉर्मल साइकिल आ जाए, उसके बाद आप कभी भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, सरोगेसी के बारे में बताइए, क्या इसके लिए कोई लेटेस्ट रूल आया है? जहाँ तक मुझे मालूम है, जो ARTA बिल आया है उसमें जो प्रोफेशनल सरोगेसी है, पैसे का लेन देन वाला सरोगेसी, वो बंद हो गया है, और जो एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी भी है शायद वो उन्हीं सेंटर्स में उपलब्ध है जिनने सरोगेसी करने का रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आप यदि किसी के साथ जाते हैं अपना सरोगेट लेके ऐसे सेंटर में जहाँ पर आपके और सरोगेट के बीच में पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, एक एफिडेविट देते हैं, तो वो सेंटर हो सकता है आपको हेल्प करे। बट ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर कि आपका उनके साथ कैसा डीलिंग होता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप हमें फॉलो करिए, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों के चैप्टर्स मिलेंगे, यू विल लाइक इट। खाली बच्चा करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा बच्चा होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको जहाँ तक हो सके जितना जल्दी हो सके बताना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी को लेके हम फीटस कॉन करवा रहे हैं 29 अक्टूबर को, हमने फीटस डे का भी एक बनाया है 2010 से, तब से करते चले आ रहे हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर।